दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को हम कैसे ब्लॉक करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लूटूथ टैप को ओपन करेंगे। ब्लूटूथ टैप को ओपन करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा ब्लूटूथ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो शो करेगा या फिर जो अवेलेबल डिवाइस है वो शो करेगा। अब हमें जो भी डिवाइस ब्लॉक करना है उस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम डिवाइस पे क्लिक करेंगे अब ये पेयरिंग कर रहा है। तो डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, पेयर का। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप पेयर करोगे, अगर आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिवाइस है ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है ये ब्लॉक हो चुका है, अब इस डिवाइस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे अनब्लॉक करेंगे? अनब्लॉक करने के लिए हम एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको टैब मिलेगा ब्लूटूथ ब्लॉक लिस्ट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी जो हमने डिवाइस को ब्लॉक किया था वो यहाँ पे शो हो चुका है। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनब्लॉक, तो यहाँ पे हम अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अनब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को अनब्लॉक या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।